मीरा दरवाजे के पास कान लगाकर खड़ी थी। हे भगवान, ना जाने ये पांच बहू मेरी क्या चुगली करती रहती हैं। काश मेरे कान बड़े हो जाएं, तो मैं इन पांचों की चुगली सुन सकती हूँ कि ये मेरे बारे में क्या क्या बोलती रहती हैं। तभी अंदर मौजूद एक बहू कहती है, एक तो ये हमारी सास है जो पूरा दिन हमारे पीछे ही पड़ी रहती है। हमें इससे कोई भी शिकायत नहीं है, ना ही हम इसकी कोई बुराई करती हैं। फिर भी ना जाने इन्हें क्यों लगता है कि हम इनकी चुगलियां ही करती रहती हैं। अरे दीदी, लगने दो, जो भी मम्मी जी को लगता है, इनकी तो शुरू से यही आदत रही है। हाँ बहन, हमारी सास खुद के करे हुए काम की ही तो तारीफ करती रहती है, और हमारे काम इन्हें पसंद ही नहीं आते हैं, और अपने दुख किसी और को कहो तो चुगली लगता है। अगली सुबह मीरा उठती है तो उसे अपने कान भारी लगते हैं। ये मेरे कानों को क्या हो गया है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे कान बड़े हो गए हैं? जाकर देखती हूँ आखिर हुआ क्या है। फिर मीरा शीशे के पास जाती है और देखती है, और देखकर चौंक जाती है और जोर से चिल्लाती है, हे भगवान, मेरे कान तो सच में बड़े हो गए हैं। मैंने तो ऐसे ही कहा था, तूने तो मेरी इस बात को जल्दी ही मान लिया। ये आपने क्या कर दिया भगवान जी। तभी उसकी पांचों बहू वहाँ पर आ जाती हैं। अरे माँ जी, ये आपके कानों को क्या हुआ? कल तक तो बिल्कुल नॉर्मल थे, अब ये इतने बड़े बड़े कैसे हो गए? माँ जी, आपके कान तो हाथी के कान जैसे लग रहे हैं। अरे दीदी, आप भी ना ऐसे ही मजाक करती रहती हैं। क्या बताऊँ बहू, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे कानों को क्या हो गया है। तू मुझे अभी अकेला छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी तुम लोग जाओ यहाँ से। पांचों बहू अपनी सास का मजाक बनाते हुए वहाँ से चली जाती हैं। दीदी अब मजा आएगा, अब माँ जी को एहसास होगा कि किसी की चुगली नहीं सुननी चाहिए। मैंने अक्सर उन्हें हमारी बात सुनते हुए देखा है। छोटी, ये गलत बात है, तुम्हें ऐसे माँ जी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, आखिर है तो वो हमारी सास ही। उधर सास अपने मन में सोचती है, सही हुआ मेरे कान बड़े हो गए, अब मुझे इन पांचों बहुओं की बातें अच्छे से सुनाई देंगी और मुझे पता चल सकेगा कि ये सब लोग मेरे बारे में क्या बातें करती हैं। फिर मीरा अपनी पांच बहुओं की बात अपने बड़े कानों से सुनती है। अरे बहन, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर माँ के कानों को अचानक क्या हो गया, वो बड़े कैसे हो गए? अब तो इन्हें हमारी बातें और भी ज्यादा सुनाई देंगी। अरे तुम माँ जी के कानों की फिक्र मत करो, बस अपने काम पर ध्यान दो, वरना ऐसा ना हो कि माँ जी सच में अपने बड़े कानों से हमारी बातें सुन ले। तभी मीरा उनके पास जाकर कहती है, बहू तुम मेरे कानों के बारे में बात कर रही थी, उनका मजाक उड़ा रही थी कि मेरे कान कैसे बड़े हो गए। हाँ माँ जी, ये सुन भी गया कि हम क्या बातें कर रही थी? हाँ मुझे सुन गया, और अच्छा हुआ मेरे कान बड़े हो गए, अब मैं तुम लोगों की बातें, अरे नहीं नहीं, चुगली आराम से सुन सकूंगी। हाँ माँ जी, आप तो हमारी सासू माँ हो, भला हम आपकी चुगली कैसे कर सकते हैं? आप तो बहुत प्यारी हो, दुनिया की सबसे अच्छी सास हो आप। रहने दे, ये चिकनी चुपड़ी बातें मुझसे मत कर, मैं जानती हूँ सब कुछ। इतना कहकर सास वहाँ से चली जाती है। फिर तभी दूसरी बहू उदास बैठी थी। क्या हुआ बहन, तू उदास क्यों बैठी है? अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, अब तो हम माँ जी के बारे में बातें भी नहीं कर सकते, उनके कान इतने बड़े जो हो गए हैं, जिस वजह से उन्हें हमारी सारी बातें अच्छे से सुनाई देती हैं। मीरा के बड़े कान अचानक ही हिलने शुरू हो जाते हैं। तभी घर के बाहर खड़ी मीरा बड़बड़ाने लगती है, मुझे लग रहा है जैसे कोई मेरे बारे में बात कर रहा हो, मुझे सब सुनाई दे रहा है, चलो जाकर इन बहुओं को मजा चखाया जाए। फिर मीरा अपनी बहू के पास जाती है। बहू, क्या तुम दोनों मेरे बारे में कुछ बातें कर रही थी? अरे नहीं नहीं माँ जी, हम तो ये कह रही थी कि आपके कान बड़े होकर कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा बहू, मेरा बेवकूफ बनाने की कोशिश मत किया करो, समझी? मेरे लंबे कानों से मुझे तुम्हारी हर एक चुगली साफ सुनाई देती है। अगली सुबह मीरा जैसे ही उठती है तभी उसे उसके कानों में दर्द महसूस होता है। अरे ये क्या, मेरे कान तो और ज्यादा बड़े लग रहे हैं। हे भगवान, ये आप क्या कर रहे हो, क्या मेरे कान रोज ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? तभी मीरा की पांचों बहुएं वहाँ पर आ जाती हैं। अरे माँ जी, आपके कान तो और भी ज्यादा बड़े हो गए हैं, अगर ये इसी तरह बढ़ते रहे तो तुम हम पांचों की नहीं पूरे गांव की बहू की चुगलियाँ सुन सकोगी।
माँ जी, दीदी सच बोल रही है। अब अगर आपके कान ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो आप सच में पूरे गांव की चुगली सुन सकती हैं। किसके घर में क्या चल रहा है। अरे बहू, मुझे पूरे गांव की क्या, अब तो तुम्हारी भी चुगली नहीं सुननी। तुम लोग मेरा मजाक बना रही हो। पहले तो मुझे ये सब अच्छा लग रहा था कि मेरे कान बड़े हो गए, लेकिन अब मैं परेशान हो गई हूँ ऐसे बड़े कानों से। अब पता चलेगा बुढ़िया को बहुत बातें सुनने की आदत थी ना, अब देखो किस किस की बातें सुनाई देंगी। खुद को माँ जी भगवान समझ रही थी, अब खुद अपनी शक्ल देख नहीं पा रही हैं। अगले दिन मीरा के कान बड़े और बड़े हो गए। तब मीरा हाथ जोड़कर भगवान जी से कहती है, हे भगवान, ये आपने मेरे साथ क्या कर दिया। मेरे कान इतने बड़े हो गए कि अब तो कोई भी छोटी आवाज, छोटा शोर सुनकर मेरे कानों में दर्द हो रहा है। तभी मीरा की नींद से अचानक आंख खुल जाती है और वो उठकर अपने बड़े कानों को हाथ लगाती है। भगवान, ये आपने अच्छा नहीं किया, काश ये सब एक सपना ही होता। वैसे भी इन लंबे कानों की वजह से मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी है। हे प्रभु, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, अब अपने बड़े कान वापस ले लो। मुझे कोई शौक नहीं रहा कि मैं अपने बहुओं की चुगली सुनूं। फिर अगली सुबह लंबे कानों वाली सास अपनी बहू के पास जाती है। बहू, मेरी बात सुनो, मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो। मैं इन बड़े कानों के साथ नहीं रह पा रही हूँ और मैंने तुम पांचों को आज तक बहुत दुख दिए हैं, पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। माँ जी, हमें तो तुमसे कोई शिकायत पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। खैर, अब आपको अपनी गलती का एहसास है तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके कानों को सही कर दे। अगली सुबह मीरा उठती है तो उसके कान बिल्कुल ठीक थे। वो अपनी बहुओं को धन्यवाद देती है और कहती है, बेटा, तुम्हारी दुआ से मेरे कान सही हो गए। अब मैं कभी किसी की चुगली नहीं सुनना चाहूंगी और कोशिश करूंगी कि मेरे कानों में चुगली की कोई आवाज ना आए। फिर लंबे कान वाली सास अपनी पांचों बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। शेरनगर में बाढ़ आ गई थी। गांव में चारों तरफ पानी ही भरा था। गांव के मुखिया और कुछ लोग सामान लेकर एक सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। हम अपने घरों को छोड़कर यहां पर तो आ गए हैं, लेकिन देखो ये जंगल है तो हमें तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। पानी तो यहां पर भी भरा हुआ है, लेकिन यहां हम पेड़ पौधे और लकड़ियों से घर बनाकर रह सकते हैं। हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत जो सामान है वो हमारे लिए तब तक पर्याप्त होगा जब तक ये बाढ़ की मुसीबत टल ना जाए। तभी दूसरा गांव वाला कहता है, मुखिया जी, मीनू बहुत परेशान है। उसके घर में बहुत सारा सामान था जो खराब हो गया। उस घर में मीनू के मरे हुए पति की यादें थीं और वो उन्हें बचा नहीं पाई, इसीलिए वो उदास है। तभी मुखिया जी मीनू के पास जाते हैं। देखो मीनू, ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसे ना मैं टाल सकता हूँ ना तुम टाल सकती हो। जो होना था वो हो गया, अब तो ये सोचो कि हमें आगे का जीवन कैसे बिताना है। आप सही कह रहे हैं मुखिया जी, मुझे अपने दुख को भूलकर अपने गांव वालों के दुख में शामिल होना चाहिए। अगली सुबह औरतें जंगल में मजबूरी में शौच करने जाती हैं। तभी वहां से एक आदमी गुजरता है। आदमी औरतों को देखकर अपना मुंह छुपाते हुए चले जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है, ऐसे शौच करना तो संभव ही नहीं है। पहली बात तो खुले में शौच, और ऊपर से डर की कोई देख न ले। बहन, तुम सही कह रही हो, पर अब करें तो क्या करें। वो औरतें बात ही कर रही होती हैं, तभी उनके बीच मौजूद रुक्मणी को एक जहरीले सांप ने काट लिया, जिस कारण वो बेहोश हो गई। अरे बचाओ बचाओ, अरे रुक्मणी को सांप ने काट लिया। हम तो पहले ही कह रहे थे खुले में शौच करना खतरनाक हो सकता है। अभी इस बारे में बात करने से ज्यादा जरूरी रुक्मणी का इलाज करवाना है, इसको लेकर वैद्य जी के पास चलते हैं। गांव की औरतें रुक्मणी को वैद्य के पास लेकर जाती हैं। इसके शरीर में जहर पूरी तरह से फैल चुका है, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। पर वैद्य जी, इतनी बारिश में हम कहां इसे अस्पताल लेकर जाएंगे, ऊपर से बाढ़ की वजह से सब तबाह हो गया है, आप ही कुछ कीजिए। ठीक है, तो फिर कुछ गांव वाले मेरे साथ जंगल की जड़ी बूटियां ढूंढने चलो, हमारे पास समय कम है। फिर कुछ गांव वाले और वैद्य जड़ी बूटी ढूंढने लगते हैं, और बहुत मेहनत के बाद उन्हें जड़ी बूटी मिल जाती है, और वैद्य जी रुक्मणी को जड़ी बूटी खिलाकर सही कर देते हैं। अब ये बिल्कुल सही है,
वैद्य जी ये तो सही हो गई, लेकिन अब से हम खुले में शौच नहीं करेंगे। आज इसके साथ ये हुआ, कल को किसी और के साथ भी तो हो सकता है, और ये तो बच गई। पर जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत रुक्मणी जैसी ही हो। फिर सब लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद मुखिया से कहते हैं, मुखिया जी हम लोग शौचालय निर्माण करते हैं, अभी बारिश का कुछ नहीं पता और औरतें जंगल में शौच करने नहीं जाना चाहती, हमें कुछ तो करना चाहिए। कुछ न कुछ तरीका तो सोचना पड़ेगा। बिरजू कहाँ है? वही सबसे समझदार व्यक्ति है, वही कुछ सोच सकता है। बिरजू को बुलाया जाए। बिरजू सोया हुआ था, तभी राकेश उसके पास जाता है। अरे बिरजू, तुझे मुखिया जी बुला रहे हैं। इतनी सुबह सुबह उन्हें मेरे से क्या काम है? वैसे तो मुखिया बोलता है कि मैं एक नंबर का नालायक हूँ, अब मेरे से उसे क्या काम पड़ गया? राम जाने, लेकिन उन्होंने तुम्हें बुलाया है तो जल्दी चलो। बिरजू उठकर मुखिया के पास जाता है। हाँ मुखिया जी बोलिए, क्या कहना था? क्यों मेरी नींद खराब करी? इतनी सुबह भला कौन किसको बुलाता है? बिरजू देख, हमें पता है कि तू गांव का सबसे समझदार और बुद्धिमान आदमी है। हम चाहते हैं कि तुम हमें एक उपाय बताओ कि इस बार बारिश में महिलाओं और पुरुषों के लिए शौचालय केंद्र कैसे बन सकता है। इसमें मैं क्या करूं? और वैसे भी तुम्हारी मदद करने से मुझे क्या मिलेगा? देख जो तू कहेगा हम मिलकर तुझे देंगे। बता तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी पारो दिला देना, जिसकी वजह से तुमने मुझे सारे गांव के सामने शर्मिंदा किया था। चल ठीक है, तू इस मुसीबत से हमें छुड़ा, फिर मैं तेरी शादी पारो से ही करा दूंगा। मुझे दोपहर तक का समय दो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। बिरजू बैठा हुआ सोचता है, इतने में ही पारो उसके पास आ जाती है। अरे तुमने क्या बात फैला रखी है, तुम क्या करने वाले हो? सुना है तुम कुछ कमाल करोगे, फिर हमारी शादी होगी। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने कुछ सोचा है, तुम बस यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। बिरजू गांव वालों के पास जाता है। सुनो 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 गांव वालों, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत होगी। क्या मुखिया जी ये लोग मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ भाई, सब तेरी मदद करेंगे। बता क्या करना है? बस हमें अपने शौचालय से मतलब है, तू जो कहेगा सा हुकुम मानकर उसे मानेंगे। सब मेरे साथ चलो और बांबू लेकर आते हैं। फिर जो गांव वालों के साथ मिलकर बांबू लेकर आता है और उनको खोखला करके एक लंबा सा पाइप लाइन जैसा बनाता है, जिसको उसने अपने रहने के एरिया से काफी दूर फैला दिया था। अब देखना गाँव वालों मेरा कमाल। फिर बिरजू गांव वासियों की मदद से बंबू और लकड़ियों से एक शौचालय तैयार करता है और कहता है, ये देखो भाइयों, अब सब इसमें शौच कर सकते हैं, और आपका शौच आसपास में नहीं बल्कि दूर नाले में चला जाएगा। इन बंबू के रहते हुए हम बीमारियों से भी बचे रहेंगे और ये हम लोगों के लिए सेफ भी रहेगा। शौचालय बना हुआ देख मुखिया जी कहते हैं, वाह बिरजू, तूने तो सच में कमाल कर दिया, हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि लकड़ियों से भी शौचालय और पाइपों का काम बांबू से लेकर तुम ऐसा शौचालय बना दोगे। सच में तुम कमाल हो, तुम्हारी बुद्धि की तो हमें दाद देनी पड़ेगी। अरे वो सब बाद में दे देना, लेकिन पहले पारो का हाथ मेरे हाथ में दो, तुमने वादा किया था कि पारो की शादी मुझसे करा दोगे। नहीं नहीं, मैं अपनी बिटिया की शादी तुझसे क्यों कराऊंगा भला? तेरे जैसे निठल्ले से मेरी बिटिया का फ्यूचर क्या होगा? तू खुद क्या खाएगा और उसको क्या खिलाएगा? मुखिया जी बिरजू की साइड से कहते हैं, अरे बिरजू निठल्ला नहीं है। किसने कहा बिरजू निठल्ला है? वो तो बहुत काम का है, इसका दिमाग सबसे अलग चलता है। और बिरजू मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। हाँ मुखिया बताओ क्या सलाह देना चाहते हो? जब ये बात चल ही गई है तो बिरजू तुम ऐसा करना कि लकड़ी से शौचालय बनाकर पैसों में बेच दिया करना, लोग तुम्हारे शौचालय को पसंद भी करेंगे और तुम्हारे पास पैसे भी आने लगेंगे। ठीक है मुखिया जी, आपने सही कहा, अब आप पारो और मेरी शादी के लिए हाँ तो कहो, बाकी मैं सब कर दूंगा। ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा, पर अब तुम काम करना शुरू कर दो। बहुत अच्छे, पारो लो, पकड़ लो मेरा हाथ और अब बन जाओ मेरे जन्म जन्म का प्यार। नहीं नहीं, मैं नहीं चल रही तुम्हारे साथ, और मुझे नहीं बनना तुम्हारा प्यार। क्या अब तुझे क्या हो गया पारो? इतनी मुश्किल से तो तेरे पिता को मनाया है और अब तू ड्रामा कर रही है? क्या तू अब किसी और से प्यार करती है? अरे मैं तो मजाक कर रही थी मेरे प्यारे बिरजू, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। और फिर खुशी खुशी गांव वाले बिरजू की शादी पारो से करा देते हैं और बिरजू को पारो भी मिल जाती है।
और साथ ही वो अपना शौचालय का काम शुरू कर देते हैं और फिर लोगों को बाढ़ में भी शौचालय मिलने शुरू हो गए।